बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं फहश हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानी लिखता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूं, प्रोग्रेसिव हूं। ये क्या बेहूदगी है? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मुझ पर इल्जाम है कि मैं औरत और मर्द के जीन रिश्तों के बारे में लिखता हूं, वेश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूं। मेरा मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। आपको मेरा अफसाना पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर ले। मेरी कहानी मेरी दूसरी कहानी के पाए की है या नहीं, इस पर बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर ले। लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज हरगिज फहश नहीं हो सकता। मुझ पर अब तक कई मुकदमे चल चुके हैं। अक्सर लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आप ऐसी कहानी क्यों लिखते हैं, क्यों ना लिखूं, क्यों ना लिखूं वेश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं? उनके यहां मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने के लिए तो नहीं जाते? उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं, क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? क्या है, कुछ भी बोल रहे हो? लो, ये तो बुरा मान लो। हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बनाएगा? मेरे मुकदमों में प्रोसिक्यूटर साहब अक्सर इस बात पे जोर देते थे कि मेरी कहानियों की कुछ किरदारों की जबान गालियों से भरी है, लेकिन जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए हैं वो हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं, आपसे यार आप तो बड़े अजब चूतिए हो। मैं यहां हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे हो, तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं? नहीं, इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते। ये जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। फ्रांस के मशहूर नॉवेल नगार गुस्ताव फ्रॉबर्ट की कहानी मदाम बुवारी पर फैशी का इल्जाम लगाया गया। आयरलैंड के जेम जोइस की किताब यूलिसिस को भी फैशी का इल्जाम झेलना पड़ा। देखा जाए तो वली से लेके गालिब तक सब पर कभी ना कभी इस तरह के इल्जाम लगे। इसलिए ये कोई नई बात तो जी, मैं अंसार शबनम दिल। पहले तो आप अपना नाम बदलो, उसके बाद मुझसे मुखातिब हो। तो मैं कह रहा था कि माफी चाहता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि आपके कई अफसाने मायूसी और अफसरदगी से भरे हैं। इन्हें तो कोई पढ़ के खुदकुशी कर ले। हाँ, अगर उसका नाम अंसार या जो कुछ भी उसके बाद में है वो हो तो वो कर सकता है। देखो बखूरदार, तुम ये हरगिज नहीं जानते कि दूसरों को कैसा महसूस होता है, इसलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना। मैं बनाव श्रृंगार करना नहीं जानता हूं। किसी की जलालत पर स्त्री करना नहीं जानता हूं। नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कोई हंगामा पसंद नहीं और ना ही सेंसेशनलिस्ट हूं। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मैं अपनी आंखें बंद कर भी लूं पर अपने समीर का क्या करूं?
बोल बोल बोल